Hello assalamu alaikum and a very good afternoon to and a very good morning to you all. Sorry. So hope all you are all doing great. We are <clears throat> discussing about redox reaction in our classes. Today I will tell you how to balance a redox reaction. So, talking about redox reaction, we have discussed what is redox reaction. A redox reaction is one in which both simultaneously oxidation and reductions happens जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन सो रिडॉक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइंटेनियसली एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है अब उस रिडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं कुछ स्टेप्स हैं उन स्टेप्स के थ्रू हम जाते हैं तो हम एक किसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं आपका रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकता है या बेसिक मीडियम में हो सकता है ये एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में आपको कैसे पता चलेगा ये आपको वहाँ पे मतलब आप गया तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि ये एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है तब जाके आपको बैलेंस करना है तो बिफ आ, आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने से करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है पहली बात तो पहला उसमें से पहला आपका स्टेप है कि आपका जो रिएक्शन होगा रिडॉक्स रिएक्शन जो आपके पास होगा वो आपका आयोनिक फॉर्म में होना चाहिए आयनिक फॉर्म मतलब चार्ज फॉर्मल चार्ज आपको वहाँ पे फॉर्मल चार्ज का पता चलना चाहिए तो मेनली जितने सारे आपके पास मेनली जब अलेवेंथ क्लास की बात करते हैं तो जितने सारे आपके पास रिएक्शंस होते हैं वो मेनली आपको आयनिक फॉर्म में ही मिलता है अगर नहीं मिला या नहीं हुआ तो आपको वो आयनिक फॉर्म बनाना पड़ेगा सबसे पहले इसके बाद सेकेंड स्टेप है आपके पास सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा आपको आयोनिक पहले आयोनिक बनाना पड़ेगा इसके बाद आपको ये देखना है कि आप उसमें उस में से कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में ऑक्सीडेशन कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है या कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रहा है मतलब आपको वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सब डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालने होंगे कि किस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जितने सारे एलिमेंट्स हैं ये सेकेंड स्टेप है थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है आपको ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट को अलग करना है इसी बेसिस पे या ऑक्सीडेशन हाफ को रिडक्शन हाफ को अलग करने के बेसिस पे हम इस मेथड को कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट को अलग अलग करते हैं इसको करने के बाद फोर्थ स्टेप आपके पास आता है फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है में आपको एलिमेंट बैलेंस करना है कोई कोई भी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और एक्सेप्ट एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के आपको बाकी एलिमेंट्स सब बैलेंस करना है जितने आपके पास एलिमेंट्स बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनको आपको बैलेंस करना है फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप का ये ए पार्ट था सॉरी फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप के बी में आपको जब एलिमेंट एलिमेंट element, बाकी एलिमेंट्स आपने बैलेंस किया अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन हम बैलेंस करेंगे वाटर ऐड करके वाटर जिस साइड में आपके ऑक्सीजन की कमी होगी जिसके मान लो आकर ये आपके पास ओ टू है गिव है तो यहाँ जिसमें ऑक्सीजन डिफिशेंट है उस साइड पे आपको ऑक्सीजन डिफिशेंट साइड पे आपको जैसे यहाँ पर दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन जैसे ऐड करना होगा इस तरह आप रिएक्शन बैलेंस करोगे इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अब आप सी बात है आपको हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना है बाय एडिंग H प्लस आयोन जितने हाइड्रोजन डिफिशेंट है जिस साइड में उस साइड में आपको H प्लस आयोन वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद या हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है चार्ज बैलेंस करना है तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके आप चार्ज बैलेंस करोगे जितना इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर ज़्यादा है तो कम करोगे कम है तो ज़्यादा करोगे इस तरह आप चार्ज बैलेंस करोगे इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या है आपके पास फिफ्थ स्टेप है आपके पास फिफ्थ स्टेप में आप जो दो हाफ रिएक्शन है आपका ऑक्सीडेशन हाफ आप। और रिडक्शन हाफ उसको कुछ इस तरह ऐड करोगे कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास वो कैंसिल आउट हो जाए वो बराबर हो जाए या कैंसिल आउट हो जाए तो आप उस तरह ऐड कर दोगे फिफ्थ स्टेप ठीक अब ये जो जो प्रोसीजर हमने ये जो प्रोसीजर हमारे डिस्कस किया ये हमारा एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए अगर आपका जो रिएक्शन हो एसिडिक मीडियम में हो या न्यूट्रल हो तब जाके आप ये रूल्स फॉलो करोगे ठीक आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं उन क्वेश्चंस से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे करते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन है आपके पास Fe2+ तो एफ ई टू प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस गेस आपको देता है ये क्रोमियम थ्री प्लस प्लस एफ ई थ्री प्लस सबसे पहला आपके पास जो स्टेप था वो था आपको कि आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन हो वो आयनिक फॉर्म में हो तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारा आयनिक फॉर्म में है इसके बाद हमें ये पता करना है कि, कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है किस में रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर देखो एफ ई टू प्लस है और यहाँ पर एफ ई थ्री प्लस है ऑबियस सी बात है यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पे क्रोमियम के केस में आपका रिडक्शन होता है अब क्रोमियम के केस में रिडक्शन कैसे होता है आप देख लें क्रोमियम जैसे यहाँ पे क्रोमियम का है यहाँ पे तो थ्री प्लस है ऑक्सीडेशन नंबर अब यहाँ पे देख लो सी आर टू ओ सेवन में सी आर टू ओ सेवन टू माइनस है आपका आपको इसके इस क्रोमियम इस का आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो हमने सिखाया था टू एक्स टू है एक्स हमने माना कि क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर है प्लस ऑक्सीजन का नॉर्मली माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू टक्ल टू सिक्स तो x का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है क्रोमियम का यहाँ पे प्लस सिक्स ऑक्सीजन नंबर है और वो आपका रिड्यूस होकर प्लस थ्री ऑक्सीजन जाता है तो यहाँ पे रिडक्शन होता है यहाँ पे या या ये भी देख सकते हो कि आप क्रोमियम में यहाँ पे ऑक्सीजन था ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब रिमोवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन के रिडक्शन कहते हैं अब ये किया हमने ऑक्सीजन और रिडक्शन को अलग अलग अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में आप ऑक्सीजन हाफ लिखेंगे और रिडक्शन हाफ लिखेंगे तो ऑक्सीजन वाले हाफ में हम एफ ई टू प्लस देता है हमें एफ ई थ्री प्लस और रिडक्शन वाले हाफ में क्या देता है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सी आर थ्री प्लस ये हमारा रिडक्शन हाफ है ठीक अब यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे पहले ऑक्सीजन हाफ वाला देख लो हम हमने कहा था कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आयरन एक है यहाँ पे भी आयरन एक बैलेंस है इसके बाद हाइड्रोजन है नहीं ऑक्सीजन भी नहीं है अब चार्ज बैलेंस करेंगे यहाँ पर दो चार्ज हैं यहाँ पर तीन चार्ज है अब यहाँ से क्या करेंगे हम एक चार्ज लॉस कर देंगे तो ये एफ ई टू ये एफ और एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे यहाँ से तो यहाँ पे ये चार्ज बैलेंस हो गया अब ये ऑक्सीजन वाला हाफ हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये बैलेंस हो चुका है अब सेकेंड हाफ़ में आपका रिडक्शन वाला हाफ है जिसमें आपके सी आर टू और सेवन टू माइनस गेव सी आर थ्री प्लस तो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के एलिमेंट्स बाकी जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो देखो यहाँ पे सी आर टू है यहाँ पे सी आर है तो यहाँ पे टू जोड़ दो इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो लो यहाँ पर सेवन ऑक्सीजन है तो सीधे यहाँ पे सेवन वाटर के मोलिक्यूल जोड़ दो अब हाइड्रोजन इंबैलेंस हुआ यहाँ पे फोर्टीन हाइड्रोजन है और यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फोर्टीन हाइड्रोजन जोड़ लो H+ अब चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे अब यहाँ देख लो यहाँ पर चौदह चार्ज ये है फोर्टीन फोटीन और यहाँ पर माइनस टू माइनस टू चार्ज है यहाँ तो ये यह हुआ ट्वेल्व चार्ज टोटल ट्वेल्व चार्ज और इस साइड में देख लो आप यहाँ पे कितना है टू थ्रीजा सिक्स प्लस सिक्स चार्ज तो यहां से हम सिक्स इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो माइनस सिक्स इलेक्ट्रॉन यहां से घटा दो तो ये हुआ हमारा रिडक्शन हाफ पूरा अब इन दोनों को कुछ इस तरह ऐड करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम ऑक्सीजन वाले हाफ को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा सिक्स एफ वी टू प्लस गेय सॉरी सिक्स एफ वी थ्री प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन अब अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ऐड करने से हम पहले ऑक्सी पहले क्या करेंगे हम पहले जितना रिएक्टेंट्स है उनको लिखेंगे जैसे कि सिक्स एफ ये हुआ फिर सी आर टू ओसैन हुआ फिर फोर्टीन हाइड्रोजन हुआ फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन हुआ ये वाला पार्ट फिर प्रोडक्ट वाला लिखेंगे सिक्स एफ ई प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस टू क्रोमियम ये वाला हाफ अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास बैलें रिएक्शन बनेगा वो बनेगा सिक्स एफ ई टू प्लस प्लस फोर्टीन हाइड्रोजन प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस गेस आपको ये देता है क्या देता है थ्री प्लस प्लस टू आयन थ्री प्लस प्लस सेवन वाटर अब ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड बैलेंस बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है आपका यहाँ पे आपको छः एफ एफ सिक्स आयरन है यहाँ पे भी सिक्स आयरन है दो क्रोमियम है यहाँ पे भी दो क्रोमियम है फोर्टीन हाइड्रोजन है, है, है यहाँ पे भी फोर्टीन हाइड्रोजन है सेवन ऑक्सीजन है यहाँ पे भी सेवन ऑक्सीजन है अब जब चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं है तो चार्ज देख लो यहाँ तो चार्ज की केस में यहाँ पर देख लो यहाँ फोर्टीन फोटीन यहाँ से सीधे आया फोर्टीन और यहाँ पर प्लस कितना हुआ फोटीन प्लस टूल्व सिक्स और टू ट्वेंटी सिक्स हुआ फोटीन और छः दो बारह चार दो छः दो ट्वेंटी सिक्स और यहाँ पे टू माइनस तो यहाँ पे माइनस टू हुआ तो आपके पास यहाँ पे टोटल चार्ज आता है ट्वेंटी फोर रिएक्टेंट्स में आपका ट्वेंटी फोर चार्ज है अब प्रोडक्ट में देख लो सिक्स एफ पी एटीन प्लस यहाँ पे टू प्लस सिक्स टू थ्री द्वारा सिक्स तो आपके पास यहाँ पर भी ट्वेंटी फोर चार्ज है तो ये जाके आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाता है यहाँ पे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बैलेंस हुआ चार्ज भी बैलेंस हुआ एलिमेंट भी बैलेंस हुआ हाइड्रोजन भी बैलेंस हुआ और ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ तो इस तरह हम किसी भी एसिडिक मीडियम में जो रॉक्स रिएक्शन है उसको हम बैलेंस करेंगे नेक्स्ट आपके पास ये है सल्फर ट्राइक्साइड है आपके पास आयन गिव्स सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सॉरी प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस आपको देता है एस ओ फोर टू माइनस और सी आर थ्री प्लस तो इस इक्वेशन को भी आपको सेम उसी तरह करना है पहले देख लो पहले आपको ये लिखना है कि आपका जो रिएक्शन होगा वो आयनिक फॉर्म में हो तो हमारे पास आयनिक फॉर्म में है इसके बाद हमको ऑक्सीजन नंबर्स देखने हैं ऑक्सीजन नंबर देखो यहाँ पे एस ओ टू माइनस यहाँ पर टू माइनस है और यहाँ पे क्रोमियम का जैसे क्रोमियम थ्री प्लस दिखाता है यहाँ पे क्रोमियम का हम निकालेंगे सी आर टू ओ सेवन का तो सी आर टू ओ सेवन टू माइनस इसमें आपको क्रोमियम का निकालना है तो टू एक्स टू एक्स हो जाएगा प्लस माइनस टू माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू माइनस टू तो सेम माइनस टू एक्स माइनस फोरटीन इज इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर्टीन को उसका प्लस ट्वेल्व टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो सिक्स आपका ऑक्सीजन स्टेट है यहाँ पे सल्फर का तो इस तरह आपने ऑक्सीजन नंबर निकाला इसके बाद आपको क्या करना है ऑक्सीजन नंबर निकालने के बाद आपको ऑक्सीजन हाफ अलग करना है सॉरी आपको ऑक्सीजन हाफ अलग करना है जो आपने ऑक्सीजन हाफ अलग किया और रिडक्शन हाफ करना है आपने अलग अलग करके दिखाया तो ऑक्सीजन हाफ बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है आपको पहले एलिमेंट्स एलिमेंट्स देखना है जैसे कि यहाँ पे सल्फर एक है यहाँ पे भी सल्फर एक है जरूरत नहीं है आप ऑक्सीजन देखो यहाँ पे चार ऑक्सीजन है और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है अब एक ऑक्सीजन की कमी है तो हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया अब एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या बढ़ गया तो हाइड्रोजन की संख्या को हमने यहाँ पे टू एच प्लस आन लिख दिया ये हमारा ऑक्सीजन हाफ हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे प्लस सिक्स से प्लस थ्री रिडक्शन हो रहा है तो इस केस में हमने देखा कि क्रोमियम देखो पहले क्रोमियम को हमें करना होगा कि यहाँ पर दो क्रोमियम था यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमियम था तो हमने यहाँ टू तो 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 लिख दिया इसके बाद हमें क्या करना है हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे सेवन ऑक्सीजन था तो हमने सेवन वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया इसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है तो चार्ज बैलेंस जैसे क्रोमियम के केस में हमने जो लास्ट लास्ट एग्जाम्पल में किया सेम वही केस यहाँ पर भी है तो इन इसके बाद हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे कुछ इस तरह ऐड करेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो जाए तो इसके बैलेंस होने के बाद हम ये इक्वेशन को एडअप करेंगे फिर यहाँ से हम इसको बैलेंस करके दिखाएंगे। तो ये जो यहाँ पे मेंशन है ये वाला आपका एग्जाम्पल है आपको इनको क्लास घर पे होमवर्क समझ लो होमवर्क के लिए हैं आपको तो ये आपको ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में जो रॉक्स रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करके बताएंगे थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फ़ॉर द सेशन